हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंग एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11th का जो यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपको चैप्टर्स जो मिले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास तक में कार्नोट हीट इंजन के इफिशियंसी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन किया था, और आज उसी पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट इंजन्स एवर डेवलप्ड ऑपरेटेड बिटवीन 2100 केल्विन एंड 700 केल्विन। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट, वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट इंजन एवर डेवलप्ड, वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट इंजन एवर डेवलप्ड ऑपरेटेड बिटवीन 2100 केल्विन एंड 700 केल्विन एंड 700 केल्विन। इट्स एक्चुअल इफिशियंसी ऑफ, इट्स एक्चुअल इफिशियंसी इज 40%, इट्स एक्चुअल इफिशियंसी इज 40%। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमल, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी इज। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है दो टेम्परेचर है, एक 2100 केल्विन और एक 700 केल्विन। तो इफिशियंसी का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसके अनुसार ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाय टी वन फॉर्मूला होता है, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाय टी वन। ये जो टी टू है टेम्परेचर ऑफ सिंक को बताता है, और जो टी वन है ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स को बताता है। जनरली जो सोर्स होता है जो कि हीट प्रोवाइड करता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि ये जो टी टू है जो सिंक का टेम्परेचर को बताता है, यहाँ पर लोअर हीट होगा और ये हायर हीट वाला रीजन होगा। तो ये जो आपको 2100 के से 700, 2100 के एंड 700 के दिया हुआ है, ये जो है टी वन है एंड दिस विल बी टी टू। अब यहाँ से यदि हम लोग
मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी देखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी परसेंटेज में बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी वन, टी टू है 700, टी वन है 2100, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाई 21। एलसीएम आ जाएगा 3, 1 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1, तो यहाँ से आपको ईटा बराबर आ जाएगा 2 बाई 3, 0.66, रिकरिंग में आएगा तो 6। ये आपको ईटा जो वैल्यू हम लोग को मिला। अब इसको यदि हम लोग परसेंटेज के टर्म में देखें, यहाँ पे मैक्स लिख देते हैं, परसेंटेज के टर्म में देखें यह 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 66.6%। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी को बताता है, 66.6%। अब एक्चुअल एफिशिएंसी एज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी इज, अब जो इसका एक्चुअल इफिशियंसी है और जो मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी है उसको यदि हम लोग इसका एक्चुअल इफिशियंसी जो कि आपको 40% दिया हुआ है और मैक्सिमम आया, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 66 है, तो इसमें लिखेंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी इज, ईटा एक्चुअल बाय ईटा मैक्सिमम इनटू 100। अब जो परसेंटेज के कंडीशन में दिया हुआ है तो ये आपको है 40%, तो ओनली 40 लिखते हैं, और उसके बाद जो मैक्सिमम आया है 66.6 इंटू 100। अभी इसको कैंसल आउट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो ये जो 66.6 है आखिर इसका ओरिजिनेशन जो है 2 बाई 3, इसको डिवाइड किए थे तो ये आया था, तो देन यहाँ से हो जाएगा 40 बाय, ये जो है 2 बाई 3 इंटू 100, तो 40 इंटू 3 बाई 2 इंटू 100 कटेगा 20, 20 इंटू, देखिए 360 और 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो
इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 60% ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू, या कह सकते हैं इक्वल्स टू। तो ये आपको आ गया 60%। एंड नाउ इसके बाद तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया दैट इज़ योर 60%। अब इसी तरीके से आगे हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जिसमें इसी से जुड़ा हुआ कुछ और सवाल। एक क्वेश्चन है कि इन अ हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर 500 केल्विन एंड 375 केल्विन। एक हीट इंजन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि जो सोर्स और सिंक है उसका टेम्परेचर 500 केल्विन और 375 केल्विन है। इफ़ द इंजन कंज्यूम्स 25 × 10⁵ जूल पर साइकिल, फर्स्ट में निकालिए इफिशियंसी ऑफ द इंजन, वर्क डन पर साइकिल, एंड थर्ड में हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। ये तीन चीज आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगला जो सवाल है जिसका डिस्कशन हमने आपसे किया, अब उसी चीज़ को लिखते हैं कि इन अ हीट इंजन, क्वेश्चन है इन अ हीट इंजन, इन अ हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर 500 के एंड 375 के एंड 375 के। ये दो टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द इंजन कंज्यूम्स 25 × 10⁵ जूल पर साइकिल, 25 × 10⁵ जूल पर साइकिल, फाइंड फर्स्ट में इफिशियंसी ऑफ द इंजन सेकेंड में वर्क डन पर साइकिल, एंड थर्ड में हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। इसमें आपको तीन क्वेश्चन हैं। वेरी फर्स्ट इफिशियंसी निकालना है, एंड इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है ईटा बराबर 1 − T2/T1, T1 T2 रिस्पेक्टिवली जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक को बताता है। तो इसमें
हम लोग देखेंगे दैट सोर्स जो है उसका टेम्परेचर है 500 केल्विन, और जो सिंक है जिसको हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके टेम्परेचर को, वो आपको दिया हुआ है 375 केल्विन। देन वेरी फर्स्ट लिखेंगे, एज वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस, जहाँ T2 बाय T1 है, तो देखिए T2 और ये आपका है T1, ये है T2, तो 375 बाय 500। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देन 25 से कैंसिल हो जाएगा, 15 बाय 20, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 15 बाय 20। इसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा तो 20 आएगा, 20 माइनस 15, तो ईटा इज इक्वल टू 5 बाय 20, 1 बाय 4। यदि आपको परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है तो 1 बाय 4 इंटू 100, 25 परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 25%, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 25%, ये आया। अब इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद, ये फर्स्ट स्टेज था जिसमें हम लोगों ने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को कैलकुलेट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल। तो देखिए जो वर्क डन पर साइकिल है इसमें जो फॉर्मूला होता है, ईटा इज इक्वल टू होता है W बाय Q1। Q1 वो हीट होता है जो कि कोई वर्किंग सब्सटेंस कंज्यूम करता है, कोई हीट इंजन जिसको कंज्यूम करता है, और W है उसका वर्क डन। इससे हम लोग को एफिशिएंसी पता चलता है। तो हम लोग को इस फॉर्मूला की मदद से जब W कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1, देन W इज इक्वल टू ईटा इंटू Q1, देन W इज इक्वल टू ईटा आया है, परसेंटेज में देखिएगा तो 25%, पॉइंट के फॉर्म में यदि लिखते हैं तो 0.25 इंटू जो Q1 है, ये है आप Q1, 25 इंटू 10 टू पावर 5। तो इसको यदि सॉल्व किया जाए तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 6.25
इंटू 10 to the power 5 जूल, 6.25 इंटू 10 to the power 25 जूल, ये आया वर्क डन पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में वर्क डन करने के लिए इतना वैल्यू होगा। एंड लास्ट में हम लोग को निकालना है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। तो देखिए जो रियल वर्क डन होता है वो होता है कि हम लोगों ने कितना अमाउंट का जो हीट है वो इंजन को दिया, या इंजन ने कितना अमाउंट का हीट को कंज्यूम किया, एंड उसके रिस्पेक्ट में उसने कितना वर्क डन किया। तो इसी डिफरेंस को वर्क डन कहते हैं, और ये वर्क डन जो अमाउंट ऑफ हीट रहेगा यही हीट सिंक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, सिंक के पास भेज दिया जाता है। मतलब जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यहाँ पे जो Q1 है ये हीट एनर्जी बात करते हैं सोर्स का, जो Q2 है वो बात करता है हीट एनर्जी ऑफ सिंक का। तो देखिए ये जो आपका Q1 और Q2 है तो इसमें हीट एनर्जी ऑफ सोर्स माइनस हीट एनर्जी ऑफ सिंक, तो W बराबर हीट एनर्जी ऑफ सोर्स माइनस हीट एनर्जी ऑफ सिंक। जैसे जब हीट एनर्जी का बात करेंगे तो सोर्स को हम लोगों ने 25 इंटू 10 to the power 5 जूल, ये इतना अमाउंट ऑफ का हीट उसने कंज्यूम किया था, माइनस जब बात करेंगे सिंक का उसने कंज्यूम किया था 6.25 इंटू 10 to the power 5 जूल। सिंक को एक्चुअली सॉरी यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, यही चीज़ होगा, लेकिन प्रोसेस देखिए, ये जो वर्क डन है ठीक है, ये वर्क डन के लिए हम लोग यहाँ से जो Q2 है ना, ये है हीट एनर्जी ऑफ द सिंक, तो Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस W, Q1 माइनस W, एंड W क्या है ना, वर्क डन पर साइकिल। तो Q2 बराबर ये इनिशियल स्टेज में जो Q1 का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 25 इंटू 10 to the power 5 माइनस ये जो W है 6.25 इंटू 10 to the power 5 जूल। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Q2 इज इक्वल टू 10 to the power 5 बाहर, 25 माइनस 6.25, 18.75 इंटू 10 to the power 5 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जो कि सिंक को रिजेक्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोगों ने 3 वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब इसके बाद
आगे क्लास में हम लोग एक प्रश्न देखेंगे जो जेईई का मेंस का 2003 का क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हुए सेम तरीका से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप लोग उससे पहले जितना भी इस चैप्टर का फॉर्मूला है, स्पेशली रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, उसको देख कर रखें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।